अभी मैंने प्रार्थना शुरू नहीं की, पर मैं आपको एडवांस में ही जो प्रोफेटिक वर्ड देता हूं कि आपको परमेश्वर हड्डियों के रोग से अच्छा कर चुका है। से धन्यवाद करें, दिल से दिल से दिल से हड्डियों का प्रोफेटिक वर्ड मैं दे चुका हूं आपको। और धन्यवाद करें जितने लोग हड्डियों के रोगी हैं, अपने बाजुओं को हलाएं, उठें, जो नहीं होता वो करो। जितने घुटनों के रोगी हैं, रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, जितने तरह के हड्डियों के रोग हैं, अब कुछ छोड़ कर चले जाए यीशु नासरी के नाम से और आजाद हो जाए। मैंने कहा आजाद हो जाए, मैंने कहा आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। आपके तमाम हड्डियों के जो बोन्स, जो जोड़ हैं, जो दर्द है, वो सारे दर्द छोड़े और चाहे यीशु नासरी के नाम से। तमाम हड्डियों के रोग आपको छोड़कर जाते रहे, जो अंग आपके काम नहीं कर रहे वो काम करने लगे यीशु नासरी के नाम से। मैंने कहा जो अंग काम नहीं कर रहे वो काम करने लगे, काम करने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो प्रेरित जी सिस्टर बता रहे हैं कि बचपन में जब इनके एज 5 साल की थी, जब बता रहे उस समय इनके राइट साइड का जो हाथ है उसमें चोट लगी थी और जो हाथ की जो उंगली है, जब बता रहे हैं कि वो सीधी नहीं रहती थी और जब अपना हाथ ऐसे बंद, मुट्ठी बंद भी नहीं कर सकते थे और सिर्फ ऐसे रहती थी। और जब बता रहे जैसे आज प्रभु के दास के द्वारा है कि जिनके हड्डियों के रोग है आज परमेश्वर ने आजाद करने वाले, उसी समय इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया। और जब बता रहे आज पूरी तरह से परमेश्वर ने इस, कौन सा बाजू, कौन सा हाथ, राइट साइड का बाजू का हाथ, पहले कितना रहता था देखो, जय मसीह की। अच्छे से है, कैमरे में लो, जूम करो, हाथ दिखाओ अपना फिर से, जितना जितना पहले रहता था, पहले ऐसे नीचे करो थोड़ा हाथ अपना ऐसे, हाँ नीचे नीचे करके दिखाओ, नहीं पहले कितना रहता था, पहले ऐसे रहता, अब खोलो पूरा हाथ। ओ जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से, दिल से दिल से दिल से। ते रू वेखो कम करदा, ते दूर साडे गम करदा, ते रू वेखो कम करदा, ते दूर साडे गम। हालेलुया। तो प्रेरित जी सिस्टर बता रहे कि जो इनकी राइट साइड की बाजू है 5 महीने हो गए, जब बता रहे कि बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जब बता रहे जब अपने अपना सिर भी नहीं कर सकते थे, इनकी बेटी ही इनका सिर करती थी, और जब बता रहे इनकी बाजू ऊपर नहीं जाती थी, और जब बता रहे जब 6 महीने हो गए इस निष्ठी में नहीं आई, पहले जो संगति को संगति में आते थे, और जब बता रहे आज इन्होंने घर से प्रार्थना की और चाहत कर कर आए कि परमेश्वर जो मेरी बाजू में इतने समय से दर्द है, आज परमेश्वर मेरी इस दर्द से मैं आजाद हो। कौन सा बाजू, राइट के, राइट क्या नहीं होता था, दर्द रहती थी और ऊपर नहीं जाता था। कहां तक रहती थी पहले, नहीं जहां तक पहले रहती थी वहां करके दिखाओ, कहां तक रहती थी पापा जी, जय मसीह कहां तक रहती थी, इथे पापा जी रहंदी सी, इथों ऊपर नहीं सी जांदी, यहां तक रहती थी, इससे ऊपर नहीं, अब करके दिखाओ। ओ हालेलुया। अनुभव कम करदा है, प्रेरित जी सिस्टर बता रहे हैं जो स्टिचिंग का काम करते हैं और जिसके कारण से बता रहे लंबे टाइम से इनके लेफ्ट साइड के जो पांव उसकी हड्डी में चोट लग गई थी और जब भी ये काम करते थे और दर्द रहती थी, और जब बता रहे आज इन्होंने हड्डियों का जो परफेक्टिव वर्ड्स इन्होंने रिसीव किया, और जब बता रहे अभी इन्होंने चेक किया, दबा कर देखा पांव को, अभी जब बता रहे कोई दर्द नहीं। कौन सा पांव दबा के देखा है, ये वाला, कितने समय से था, काफी टाइम से था। अच्छा दबाओ दबाओ फिर दबाओ, हां अच्छे से दबा के चेक किया, अब कोई दर्द नहीं है। ओ तारीफ कर दो, जोर से जोर से जोर से जोर से। ते रूवे को कम कर दा, ते दूर सड़ गम कर दा। प्रेरित जी बहन बता रहे हैं कि इनके बैक पेन में और इनकी लेफ्ट साइड टांग में बहुत ज्यादा दर्द थी, जब बता रहे जैसे उन्होंने हड्डियों के रोग के लिए इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, जब बता रहे कि परमेश्वर ने इस दर्द से इनको फ्री कर दिया। पहले तो हाँ? हाँ, माइक दे दो, कहते कहते तो ही बोला है पापा जी, जेमसी की आज तो ही बोलने ताडे बोलन तो पहले मैं रिसीव किया कि परमेश्वर आज मेरे लिए बोले। एक लाप ये देखो अच्छे दे चकनाड़ मतलब जब इकट्ठी हुंदी ते मेरे नाल ही मेरे दिल नु खिच पेंदी ते पूरी साइड नु खिच पेंदी,
ये फायदा है, बोल क्या है कि जब हम खुदा की हजूरी में कुछ मन में लेकर आते हैं तो परमेश्वर अपने चुने हुए दास को क्या करता है। अरे अभी तो हीलिंग शुरू भी नहीं मैंने की थी तो खुदावंद ने पहले बोल दिया, आज प्रोफेटिक वर्ड देता हूं कि हड्डियों के जितने भी रोग हैं आज क्या करेगा परमेश्वर। तारीफ कर दो जोर से जोर से। यीशु ने छू ले आए जदों दा, यीशु ने छू ले आए जदों दा। तो प्रेरित जी जबी जी बता रहे कि सुबह जब जे संगति में आ रहे थे तो इनके घुटने में इनके टांगों में बहुत दर्द थी, जे चल भी नहीं पा रहे थे। और जे बता रहे कि जे जैसे आज बता रहे कि प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड आया हड्डियों के रोग के बारे में, इन्होंने रिसीव किया जब बता रहे, और उसी समय प्रभु की ग्रेस इनको छुआ और जो दर्द थी जब बता रहे परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको फ्री कर दिया। अभी जो चल भी रहे हैं और बैठकर भी इन्होंने चेक किया, कोई दर्द नहीं, जो बहुत ही खुश है। कहां पे दर्द थी? घुटनों में। जी घुटनों में। आपने बैठकर चेक किया अच्छे से? जय मसीह की जी। बहुत आज आपने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और अच्छे से बैठकर उठकर चेक किया है? ओ तारीफ हालेलुया, तारीफ करो ऊंचा ऊंचा। कम कर दाए कर दाए यहोवा, के कम कर दाए जी। बहन बता रहे कि इनकी राइट साइड की बाजू और इनके टांग में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, जब बता रहे इन्होंने आज प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया कि जो हड्डियों को रोग है, और जब बता रहे प्रभु ने उसी समय इस दर्द से इनको फ्री कर दिया। धन्यवाद करो फिर से जोर से जोर से जोर से। एक साथ परमेश्वर लोगों को, इतने लोगों को हील कर रहा है, ये छोटी बात नहीं है। मैंने कहा ये छोटी बात नहीं है। तो प्रेरित जी जो बहन बता रही कि इनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, और जो बता रहे जैसे आज हड्डियों का परफेक्टिक वर्ड्स है इन्होंने रिसीव किया, और जो बता रहे अभी जो दर्द थी काफी काफी जो बता रहे कि फर्क है, और परमेश्वर इनको फ्री किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करो जितना मेरे यीशु जी दे जोर दी।